बरूड़ ग्राम के दसरा नागर समाज धर्मशाला में किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत SPL कंपनी महाराष्ट्र के द्वारा ईंधन जैसी समस्याओं से निजात पाने के लिए एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। MCL कंपनी से पधारे त्रणिका फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के डायरेक्टर रमेश पटेल और अपनी कृषि भूमि पर हाथी घास बोने के लिए प्रेरित किया और अपने क्षेत्र में 15,000 किसानों के सदस्य बन जाते हैं और हाथी घास बोते हैं, जिससे क्षेत्र में CNG प्लांट लग जाएगा और किसानों को उचित दाम के साथ घास बेचने के लिए व्यवस्था भी होगी, जो किसान बंधु कम खर्चे में अधिकतम उत्पादन कर सकते हैं। इसके अंतर्गत बरूड़ क्षेत्र के 15 ग्राम पंचायतों के कृषकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर, खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। और हम जो बात अब करने जा रहे हैं वो चौथी क्रांति के बारे में बात करने जा रहे हैं, और ये चौथी क्रांति आपकी पहली क्रांति का तो कोई मोल नहीं हो सकता, उसका तो कोई मूल्यांकन करने की हम आप में से किसी की कोई औकात नहीं है, लेकिन जो दूसरी और तीसरी क्रांति है उससे बड़ी ये क्रांति साबित हो सकती है, जिसके बारे में आज हम यहाँ पर विचार विमर्श करने जा रहे हैं, ठीक है। और वो चौथी क्रांति है ईंधन के मामले में देश को 2030 तक आत्मनिर्भर बनाना, और ये सपना देखा था हमारे देश के सच्चे सपूत पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम साहब ने, जिनको पूरी दुनिया मिसाइल मैन के नाम से जानती है। उन्होंने पूरा जीवन ही अपना देश के लिए समर्पित किया, शादी भी नहीं की, है ना, वो तो आजीवन अविवाहित रहे। तो 2020 तक ही देश को ईंधन के। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।